बहुत हुआ झकास, आज कुछ नया करते हैं। ए भिड़ू, कुर्सी मंगा रे। कुर्सी तो यही है। कोई बात नहीं, तो आज भी बॉस आपको मिलाएगा 2024 के नए कंटेस्टेंट। नमस्ते बिग बॉस। तो आज मैं सबसे पहले आपको मिलाऊंगा दिल्ली के मशहूर लंग कटारिया जी से। अरे सर, लंग कटारिया नहीं, मेरा नाम है लव कटारिया। सिस्टम है अपन का, हाँ फाड़ के रख देगा। सॉरी यार, अपन बिग बॉस है ना, काट देना भाई, काट देना। तो आपका बिग बॉस के घर में स्वागत है, आप अंदर जाइए। और हाँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि बिग बॉस के घर में लड़ना बिल्कुल सख्त मना है, ये हमारा नया रूल है। थैंक यू सर। ओके, तो अब मैं आपको दूसरे कंटेस्टेंट से मिलाऊंगा, उनका नाम है नीरज जी। नीरज जी, आपको कैसा लग रहा है? नीरज जी, आप तो बोलते ही नहीं, लगता है आप ज्यादा दिन बिग बॉस के घर में टिकेंगे नहीं। अरे सर, वो तो वक्त बताएगा कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर जाएगा। तो नीरज जी, आपका बिग बॉस के घर में स्वागत है। अब मैं आपको मिलाऊंगा अपने तीसरे कंटेस्टेंट से, उनका नाम है शिवानी कुमारी जी। अरे सर, आपका देखे के लिए तो हमारी आंखें सूज गई सर, धन्य हो गए हम सर, आपके दर्शन पा गए सर। अच्छा, एक बात बताइए शिवानी जी, जब आपको पता था कि आप बिग बॉस के घर में जा रही हैं, आप ये कौन से कपड़े पहन के आई? अरे सर, ये पैजामा हमारी अम्मा के है, और ये बूसर जो है ना, हम गोवा गए थे वहीं से आते, और देखो हमारा फेवरेट बूसर है ये। खैर छोड़िए, इतना वाहियात तो मैंने अभी तक कोई कंटेस्टेंट को नहीं देखा। अरे सर, आपका गले लगा एक मन का आते सर। जी जी जी, दूर रहिए, पास मत आइए। गले नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, नमस्ते तो है ही सर। वैसे सर, आप बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं सर, और हम शिवानी कुमारी हैं, यूट्यूबर, हमको बहुत सारे गांव के लोग और सब सपोर्ट करते हैं सर। खैर, आपका बिग बॉस के घर में स्वागत है, आइए। नमस्ते सर। अब मैं आपको मिलाऊंगा अपने चौथे कंटेस्टेंट से, जिनकी जिंदगी में खुशियां हैं, बहार है, खूब रुपया पैसा है, और वो जान निसार है। जिस लड़की को देखते हैं उसको अपना दिल दे बैठते हैं, आप पहचान गए होंगे। भाई खांसी आ गई, थोड़ा फेफड़े कमजोर हो गए। तो उनका नाम है मिस्टर अरमान मलिक। देखिए, आपको मैं सख्त हिदायत देता हूं, आप बिग बॉस के घर में रहते हुए किसी लड़की से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ना ही किसी को शादी करने का प्रस्ताव देंगे, नहीं तो आपको उसी दिन बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया जाएगा। सर, दो संभाल ही नहीं जा रहे हैं, अब तीसरी शादी हमको नहीं करना है, उसको लाके रखेंगे तो और रोना हो जाएगा, 6 बच्चे हो गए हमारे। तो आप बिग बॉस के घर में रहने के लिए तैयार हैं? जी सर। अरमान जी, आप भी अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। तो अभी हमारे 2024 के 4 कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में आ चुके हैं, तो ले चलते हैं आपको बिग बॉस के घर के अंदर, आइए। ये बिग बॉस का घर है? अगर इससे अच्छा तो हमारे यहाँ दिल्ली में भैंसों का तबेला होता है, लगता है मजा ना आएगा। कटारिया जी, लगता है आपको बिग बॉस का घर अच्छा नहीं लगा, इसलिए बिग बॉस का कहना है आप घर से बहुत जल्द बाहर जाएंगे। अरे बिग बॉस, हम जा कहाँ रहे हैं, हम तो अभी सिस्टम फाड़ेंगे यहाँ पर। पिछली बार अपने अपन के भाई ने सिस्टम फाड़ा था, इस बार अपन सिस्टम फाड़ेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, तब तक कोई देखने का तो सुट्टा मार लेता हूँ। अरे दही
भैया इतना बड़ा घर बिग बॉस के। अरे दादा अब तो आराम से रहिबे इमा हम देखी का है। अरे बाप रे इतना तो हम जिंदगी में। अरे यू देखो। अरे वाह। अरे वो तो बेड पड़ा है इतना बड़ा मुलायम मुलायम गद्दा है। अब जाई थे हम वह सोइबे रात भर दिन भर सोइबे जाएंगे। अरे अरे ये बताओ तुम जा रही हो तो यहाँ पे काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा और बर्तन कौन मांजेगा? पता नहीं बिग बॉस भी कहाँ से देहातों को बुला लाते हैं यहाँ पे। अरे अरे अरमान भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? आज तो शुद्ध रहो कम से कम। आज तो पहला दिन है। अरे भाई मेरे को सोना था वो सोने चली जा रही है। अरे गाँव में बेड बेड कहाँ देखने पाती होगी? भैंसे वैसी नहलाती है तो उसको आज सो लेने दो। अरे अरे ना दीदी हम तुम्हारा भैया ना ना हुई थी। कानपुर में बहुत बड़ा घर है। यू यू बिग बॉस हमका बुलाई जरा वहाँ हम आयरन लड़ाई वड़ाई देखे न करे हमसे। ये शहर वाले हमका ये हम नहीं पसंद है। अरे हम लड़ाई नहीं कर रहे अरमान भाई। हाँ तो हम सोने जा रहे हैं। तुम कैसे जाओगे? ये बर्तन पोछा कौन? अरे 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 शांत हो शांत हो। ये झाड़ू पोछा कौन करेगा? हम सबको मुंह झाड़ू पोछा करेंगे। झाड़ू पोछा करेगा नहीं तो क्या आओगी? बस सोने चले जाओगी? सोए जाइबा हमसे अंग्रेजी ना जाना। देखिए देख कौन सोवेगी पहले हम जाएंगे। बस हम पहले बता दिए ना कि हम अंग्रेजी घर वालों से बात नहीं करबे। चल हट बंदरिया। चल चल तू चल बांदरी बांदरी ना कह। हम का तुम्हारे घर खानदान बांदरी बांदरा हो ही बता रहे हैं। हम शिवानी कुमारी हैं। अत्ते हमका हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं। हमका पसंद करते चाहते हैं। अरे ओ छुपे रहो छुपे रहो छुपे रहो। तुम कहाँ आए हो? अरे हो तुम लोग। अरे लड़ाई ना करो तू। सोए जा रहे हो तुम? अरे भैया अरे कौन है तू? अरे हम नीरज हैं। नीरज अच्छा था नीरज का हुआ अभी लड़ाई कहीं हो चुके चल देखते तो भाई अभी रुक अभी आता अपन। क्यों शिवानी तू अरमान से लड़ाई क्यों कर रहे थे? अरे वो अरमान भैया हमका उल्टा सीधा बोल दी तो हाय हम बोल दिया उनका उक्का लड़ाई वड़ाई थोड़ी कराया है। तो अपन सुना है कि तू बेड पे सोने की बात कर रही है। हाँ तो सोए भाई तो का कह लिया बताओ का है ना अपन का सिस्टम चला रहा है। आओ तो देखो बेड पर सोए सोए करते का हम इंसान ना बिग बॉस में हमका काम करे हैं इनका सोए हैं पता है तुमको? अरे वो बात ठीक है पता है इधर पूरा बिग बॉस में अपन का सिस्टम चलता है। हां तो सिस्टम तुम अपने घर में हैक करो। यहां सिस्टम हैक करे तुम ना आए हो बिग बॉस के घर है समझो कोई के घर ना है। बहुत सिस्टम सिस्टम हैक करियो सिस्टम करे सिस्टम हैक हैक सिस्टम करे सिस्टम हैक करे जाए सिस्टम हैक करे जाए। चलो भागो भागो जो कहीं देखो तो कहीं पंगा लेते हमसे या सबको हमको गोई कुछ जाएगा थे तब हम लेट के दिखे थे। अरे दैया बेड तो बड़ा बढ़िया है। ये तोता को रख के गवा है जो देखो तो कुछ ना कुछ रख के चला जाते। बिग बॉस सुन रहे हो देख रहे हो यहाँ सब अपन हद्दा जमा रहे कोनो तोता रख के जाते कोनो कोट रख के जाते। यू सब देखो हमसे बर्दाश्त ना हुई बता रहे हैं पहले। शिवानी देखो हम कुछ बोल नहीं रहे क्या मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमान नहीं करोगी। ये तोता हमारा है और ये बेड भी हमारा है हम इस पे सोएंगे। अच्छा तो लागत है तुम हो ऐसे ना मनी हो। नीरज जी और शिवानी कुमारी जी आप लोगों ने बिग बॉस के घर में रहते हुए उसके नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए बिग बॉस का कहना है कि आप लोगों में से किसी एक को घर से बाहर जाना होगा। आप लोग जितना ज़्यादा वोट करा सकते हैं वोट कराइए। जिसका वोट शेयर ज़्यादा होगा वही केवल बिग बॉस के घर में रहेगा।